मशीन जुड़ती मशीन आके बोली बिना तथ्य बिना समझ और सिर्फ झूठे प्रचार से जो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। 4 तारीख को दिल्ली के मंत्रिमंडल ने पावर सब्सिडी की फाइल पास कर दी। तारीख नोट कर लीजिए 4 तारीख। शोर मचा रहे थे कि अगर ये फाइल साइन नहीं हुई तो मंडे से लोगों को सब्सिडी मिली बात हो जाएगी। ये बात उनको 4 तारीख को पता कौन सी डेट के पहले पहले हमको ये फाइल अप्रूव करानी। 4 तारीख को फाइल पास होती है उपराज्यपाल कार्यालय में ये फाइल 11 तारीख को जाता है। मेरा पहला सवाल 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक अरविंद केजरीवाल बताए वो फाइल दबाते क्यों बैठे या वो झूठी मशीन जो इनकी बिजली मंत्री है वो बताए कितने दिनों में वो फाइल दबाते क्यों बैठते हैं इसका जवाब। 11 तारीख को फाइल राज्यपाल कार्यालय जाती है ये बात सबको मालूम है कि 13, 14, 15 सप्ताह जो है बैसाखी अम्बेडकर जयंती राष्ट्रीय अवकाश है छुट्टियां हैं ये सब सबको मालूम है पूरे विश्व को मालूम दिल्ली को मालूम तो जानबूझ के वो आज का दिन चुनती है लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जानकारी अधूरी रहती है। जिस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उससे पहले एजी साहब दिल्ली की जनता के हित के लिए वो सब्सिडी की फाइल पास कर चुके। दुर्भाग्यवश उनकी बिजली मंत्री को पता नहीं था और वो अपने ही बनाए हुए चुटकुलों में फंस गए। आप मीडिया हाइप ले सकती हैं टीवी पे आके आप बोल सकती हैं अखबारों की सुर्खियां बना सकती लेकिन झूठ बोल के अपने गंदे चेहरे को कब तक छुपाएंगे। आपका ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। 4 तारीख को फाइल आपने अप्रूव किया आपके मंत्रिमंडल ने 11 तारीख तक फाइल को आप दबा के बैठे रहे इस इंतजार में कि जब सप्ताहांत आएगा हमें माननीय उपराज्यपाल पर कुछ ना कुछ आरोप टीका टिप्पणी करनी है उनको डिफेम करने की कोशिश करनी है इसलिए हमने 14 अम्बेडकर का दिन छोड़ा। लेकिन मैंने कहा दुर्भाग्यवश जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उससे पहले वो फाइल अप्रूव हो चुकी थी उनके जो भी फीडबैक यूनिट के बचे हुए अधिकारी हैं शायद उन्होंने उनको गलत जानकारी दी। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं जिसके तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 6 वर्ष से लगभग 13,549 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए गए उसका ऑडिट आज तक नहीं हुआ। उसकी ऑडिट की बात अरविंद केजरीवाल को नहीं हुआ बिजली कंपनी की बात जो सब्सिडी बिजली कंपनी को जो पैसा दिया है। अब जब एलजी साहब ने कहा सब्सिडी की पावर का ऑडिट कराया जाए तो सीएम साहब ने कहा कि हम ऑडिट कराएंगे लेकिन उसके बाद क्या ऑडिट क्यों नहीं हो रहा। तो जो पिछले 6 वर्ष की बात है जो मैं 13,500 करोड़ की बात कर रहा हूं उसका ऑडिट कौन कराया उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों साध जवाब दे। हाईकोर्ट ने सीएजी ऑडिट पर कुछ क्वेश्चन लगाए उस पर रोक लगाई दिल्ली की सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई इन्हें हमें सीएजी ऑडिट कराना। पिछले 7 साल से वो फाइल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। आप कितने एक्टिव हैं कितनी जनता का हित देखते हैं पिछले 7 साल में आपने एक भी इमरजेंसी हियरिंग की दरख्वास्त नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि ये फाइल आपके यहाँ पेंडिंग पड़ी है ये एप्लीकेशन हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ी है इसका सीजी ऑडिट का हमें अनुमति दी क्योंकि हमें पता है कि ऑडिट के बाद क्या होगा जानकारी है। पावर सब्सिडी का खेल एक और बताते हैं। 2019 में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी किरायेदार बिजली मीटर जोड़ा। मैं आज आपके
माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि इस योजना का क्या, दिल्ली के कितने किराएदारों को फ्री बिजली मिली है पिछले 8 सालों में, उसका जवाब दें। वो नहीं बोले, वो सीएजी ऑडिट नहीं करवाएंगे, वो 8-8 दिन फाइल दबा के बैठेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे और पॉलिटिकल गेम खेलने का कोशिश करेंगे जिससे दिल्ली की जनता को भ्रमित कर देंगे। लेकिन आज उनकी चोरी पकड़ी गई है, आज उनका चेहरा बेनकाब हुआ है और मैं एक बार फिर उन्हीं सवालों को दोबारा दोहराता हूँ कि 4 तारीख को जब मंत्रिमंडल ने फाइल क्लियर कर दी थी तो 11 तारीख तक फाइल दबा के क्यों, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे उससे पहले माननीय उपराज्यपाल ने फाइल क्लियर कर चुके थे, वो तो हमारी जानकारी है, तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या? सिर्फ दुर्भावना, दुष्प्रचार, झूठे आरोप, झूठी राजनीति, ये इस आम आदमी पार्टी का काम रह गया है। हमने कई बार अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से बात की है, जो 200 यूनिट का खेल आप खेल रहे हैं, अगर आप सच में दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं तो दिल्ली के हर परिवार को, तो चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी या कहीं भी रहने वाला आदमी, या आप हो या कोई और, दिल्ली के हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। 201 होते हैं जो 200 कर देते हैं, उस प्रथा को बंद कीजिए अगर आप सही मायनों में सब्सिडी देना चाहते, लेकिन आप देना नहीं चाहते, आपने सिर्फ 15-20% के ऊपर खेल खेलना है तो आप खेल रहे हैं, इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि दिल्ली के हर परिवार को 200 यूनिट दीजिए अगर आप सही मायनों में दिल्ली वालों का भला करना चाहते। और दूसरी बात, टाइम लेने की बात करने की, जिस तरीके की शैली थी, हमने फोन किया, हमने भी कई दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिक्षा में हुए घोटाले की, मैंने स्वयं मांग की थी अरविंद केजरीवाल तुम्हें ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सभी पार्टियों से सलाह करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, शिक्षा विभाग में बच्चों के नंबर चौंके हुए हैं, 80 में से 4, 80 में से 7, कोई जवाब नहीं दिया।